मनीष सिंह हूँ और जन मित्रम संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी बात ज़्यादातर कृषि पर ही रखूँगा क्योंकि यही हमारे कार्य का क्षेत्र रहा है। इसके पहले मैं हुसैन जी को, इंडिया सीएसआर की टीम को, दयानंद भाई को बधाई देना चाहूँगा इस आयोजन के लिए। इस तरीके के आयोजन न सिर्फ लैंडमार्क हैं बल्कि मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो सीएसआर की दिशा होगी, जो ऑर्गेनाइजेशंस के काम की दिशा होगी, उसका एक दिशा सूचक, उसको एक दिशा दिखाने वाला आयोजन भी है। साहब, मैं छत्तीसगढ़ में जब एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर इलाका जो है आप जानते हैं ट्राइबल से बना हुआ है और एग्रीकल्चर बातचीत के लिए एक बड़ा ऊंचा रेफरेंस पॉइंट है। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाना है। सवाल यह है कि ये दोगुना होगा कैसे, किसानों के सामने चैलेंजेस क्या हैं और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, देखिए छत्तीसगढ़ में जमीन काफी मात्रा में अवेलेबल है किसानों के लिए। आज देखिए लगभग 24% के करीब ऐसा इलाका है जो कि इरिगेटेड है, बाकी नहीं है। पंजाब के और छत्तीसगढ़ के किसानों की अगर आप तुलना करें तो जो 3 से 4 या 5 एकड़ का इलाका जिसके पास में है खेती करने के लिए, पंजाब में वो बड़ा एक बड़ा किसान होता है, धनी होता है, गाड़ियां होती हैं। और यहाँ अगर छत्तीसगढ़ में 10 एकड़ की भी जमीन है किसान के पास में, जीने के लिए लाले पड़े हुए होते हैं। क्यों है ऐसा? दो चीजें मैं इसमें खासतौर पर कहना चाहूंगा। ट्राइबल इलाका है, लोगों के एग्रीकल्चर का अपना एक खास पैटर्न है, ज्यादातर पैडी होती है और नई फसलों की ओर वो जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरी ओर अगर नई फसलों की ओर जाने के लिए तैयार हो भी जाएं तो पानी का अभाव है। लैंड रिसोर्स हमारे पास बहुत मात्रा में अवेलेबल है। हम देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों से, बाहर से जो लोग यहाँ आकर के बल्क में जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं और उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कुछ इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं और इनिशिएटिव जब हम लेते हैं तो इसमें दो एक हमारे प्रमुख बिंदु होते हैं। एक, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाना। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब एक ही जमीन के ऊपर 2 बार 3 बार अगर फसल ली जा सके, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है और किसान को एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी, नई लर्निंग्स की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी चीज है कि क्रॉपिंग एरिया को बढ़ाना। क्रॉपिंग एरिया मतलब एडिशनल लैंड। अगर एक गाँव में मान लीजिए कि 200 एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर खेती होती है, 100 से 150 एकड़ जमीन अगर बैरन पड़ी हुई है, उस जमीन को हम कैसे लेकर के आएंगे। कुछ स्लाइड्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो जमीन है आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी जमीन है, आगे मैं और फोटोग्राफ्स आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल बैरन। और वहां पर किसानों को मोटिवेट करके वहां पे मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग यानी कि फ्रूट का भी वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, नीचे सब्जियां भी उगाई जा रही हैं और पानी, बिजली, इन सारी चीजों की सुविधाएं डिफरेंट सोर्सेज से करते हुए हम उस जमीन को अंडर एग्रीकल्चर लेकर के आ रहे हैं, फूड प्रोडक्शन की ओर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी जरूरी होता है कि उनको प्रॉपर इनपुट्स मिले। गांव में अगर आप जाएंगे तो उनके पास बीजों का अभाव है, अच्छे बीजों का अभाव है, अच्छी खाद का अभाव है, मिलावट वाली चीजें मिलती हैं, तो एग्रीकल्चरल इनपुट्स आर बिग इशू इन ट्राइबल एरियाज, दूर दराज के इलाकों में ये बड़ी दिक्कत है। और मिलती भी है, शासन की तरफ से चीज़ें उपलब्ध कराई भी जाती हैं तो वक्त पर मिलना कठिन होता है, तो इनपुट्स की समस्या है। और दूसरी समस्या निकल के आती है जब वो एक अपने प्रोडक्शन को निकाल ले आते हैं उसे बेचने की, प्रॉपर मार्केट नहीं मिलने की। और ये दो समस्याएं जहां इनपुट के लेवल पे, जहां आउटपुट के लेवल पर हो जाती हैं, तो किसान के पास में ज़्यादा प्रोड्यूस करने का कोई मोटिवेशन होता ही नहीं है। तो अब सॉल्यूशंस कहां से निकल करके आते हैं? एक दो चीजें मैंने आपको जो दिखाई, जो बैरन लैंड है हमें उसे एग्रीकल्चर के अंदर लेकर के आना पड़ेगा, क्रॉपिंग एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। बिजली जिन गांवों में नहीं है, जहां बिजली हो सकती है वहां पे हम इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज देते हैं, कुएं की व्यवस्था करवा रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से। हमारे साथ में नाबार्ड, कापार्ड, गिव इंडिया, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड, इन तरह की एजेंसीज के साथ में हमने काम किया हुआ है। गवर्नमेंट के कई प्रोग्राम्स पे हम काम कर रहे हैं और ज़्यादातर मामलों में हमारी कोशिश ये होती है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स के साथ में जो कन्वर्जेंस हो सकता है, लाइक ये जो आप एक छतरी देख रहे हैं ये सोलर पावर की है और हमने यहाँ पे प्लांटेशन और बाकी चीज़ें जो दी हैं, लेकिन ये छतरी सरकार की ओर से उन्हें फ्री मिली है। कन्वर्जेंस के अंतर्गत हम इन चीज़ों को लेकर के आते हैं। यही ये तालाब जो है वाटरशेड के प्रोग्राम के अंतर्गत हमने किया हुआ है। एग्रीकल्चर को आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते,
ऊंचे वाली जो जगह होती है उस जगह पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो जाते हैं, तो नीचे उसकी ढाल की जो जगह होती है वहां पर एग्रीकल्चर करने के लिए काफी मदद मिल जाती है, मॉइस्चर का कंजर्वेशन हो जाता है, दूसरी फसल ली जा सकती है। तो ये चीजें भी हैं जो एग्रीकल्चर में सीधे तो सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हाँ इनका महत्व तो बहुत ज्यादा है, स्टैंड अलोन एग्रीकल्चर हो नहीं सकती। पैडी बंडिंग, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, इसमें हम नई, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये पूरा नया खेत बन रहा है, ये बैरन लैंड हुआ करती थी और यहाँ पर बंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पानी रुकेगा, मॉइस्चर आएगा, आने वाले समय में खेती होगी, प्रोडक्शन का एरिया बढ़ेगा। ये कुएं हैं, गिविंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन पोर्टल है उनका, वो डोनेट करते हैं और वहाँ से इंडिविजुअल डोनेशन और कॉर्पोरेट डोनेशन जो आती हैं उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों के पास जहाँ पे जिस तरीके की सुविधा हो सके, चाहे बोरवेल हो चाहे कुआं हो, इरिगेशन के पर्पज से हम ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो चीजें हैं, एक मैंने अपनी बात कही आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी के ऊपर और क्रॉपिंग एरिया को बढ़ाने के लिए, वाटर से रिसोर्स बढ़ाने के, इसके साथ साथ वाटरशेड डेवलपमेंट, ये पूरी टेक्नोलॉजी किसानों के साथ में शेयर करने और उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। और यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक विशेष बात कहना चाहूँगा, स्पेशली जो कॉर्पोरेट से हैं, कन्वर्जेंस। हमने एक प्रयोग किया, हमने नाबार्ड के साथ में 2011 से इस तरीके के प्रोग्राम्स को हम कर रहे थे और कंप्लीट फंडिंग वॉज गिवन बाय नाबार्ड, अराउंड 6 to 10 crore रुपीज उन्होंने अलग अलग प्रोग्रामों में हमको इस तरीके के प्रोग्राम के अलग अलग कंपोनेंट को करने के लिए दिया और उस पर हम लगभग 1000 acre के आसपास की लैंड को इस तरीके से डेवलप कर पाए थे। इसके बाद एक प्रयोग जो आया, हमने नाबार्ड से सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट, हमने नाबार्ड से जो सपोर्ट लिया, हमने कहा हमें सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, के लिए असिस्टेंस चाहिए जो किसानों को ट्रेनिंग की जरूरत है, और दूसरी चीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की जरूरत होती है वो अराउंड जो बजट होता है उसके 20% में हम लोगों ने 500 एकड़ फर्दर डेवलप किया विद सपोर्ट ऑफ मनरेगा, विद सपोर्ट ऑफ क्रेडा। इसके साथ साथ हमने क्रेडिट भी इंड्यूस किया। नतीजा ये हुआ कि अराउंड 50 लाख के खर्च में हम लोगों ने जो काम किया उसकी वैल्यू मनरेगा के नॉर्म्स के अनुसार में लगभग 6 crore रुपए के आसपास की होती है। तो ये पूरा मल्टी फोल्ड रिजल्ट निकल करके आता है और ये कन्वर्जेंस जो भी हम रिसोर्सेज अपने लगा रहे हैं मल्टीपल लेवल पे मल्टी फोल्ड होकर के रिजल्ट निकल करके आते हैं। तो ये मैं आप लोगों को इस इंडिया सीएसआर के फोरम के माध्यम से उन्हें एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि कृषि पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। छत्तीसगढ़ का अगर डेवलपमेंट आगे कोई कर सकता है तो एग्रीकल्चर का ही सेक्टर है और इसी से ही आप इस स्टेट की 50% आबादी को पॉवर्टी से बाहर ला सकते हैं। थैंक यू।